हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिक क्लासेस। इडिटेरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक मार्केट में आ गया है, सितंबर एडिशन, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। पूरे बुक को हम लेकर आएंगे इस चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर फटाफट 100.com, जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम का फटाफट 100.com। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा बनी। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था, क्या था जो 15 अगस्त 2023 को मनाया गया 77वें स्वतंत्रता दिवस थीम था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना गोवा में। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा, जो केरल की राजधानी है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को किया। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? तो 508 रेलवे स्टेशनों को। CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से 12वीं तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर B8 नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? बिहार संग्रहालय पटना में। नेक्स्ट है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो अमेजॉन इंडिया ने, श्रीनगर के डल झील में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया? यानी देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? उसका अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया? तो सूरत, गुजरात में। अगला है, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? तो अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है, रिश्वत रोधी प्रबंध प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? तो ONGC है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कुई भाषा को। किस सरकार ने आरओ बाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो बेंगलुरु बना। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो वो है केरल में। किस राज्य ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो वो है राजस्थान का। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरा लॉन्च किया? तो वो है मुंबई में। अगला है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना?
तो इंदौर बना। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत के अग्रणी राज्य कौन बन गया है, तो वो है बिहार। सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया है, तो गुजरात राज्य ने जारी किया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया, स्किन बैंक कहाँ खोला गया, तो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई, तो तेलंगाना में। सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई तेलंगाना में। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण तो पूर्वी चंपारण बिहार में। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है, देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है, तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया, 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया, तो ऑल इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यानी भारत में 13 महारत्न कंपनी हो गई है। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो मणिपुर में बनाया जा रहा है पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी, तो परमिंदर चोपड़ा बनी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया, तो बेंगलुरु में बनाया गया। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक है। नेक्स्ट है, केरल में PP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया, तो ओप्पो इंडिया के साथ। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बनी, तो इंडिगो। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी, तो इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैनरा बैंक। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैनरा बैंक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है, तो IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, तो वो है झारखंड के। राष्ट्रपति ने भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया झारखंड में। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फटाफट 100.com में, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने QA के BOT मेलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया, तो ऑपरेशन डक हंट ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया, तो UAE के साथ। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाय विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है, अलाय विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है, तो वो है ब्रिटेन। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बॉस्टिल डे परेड पे मुख्य अतिथि कौन थे, बॉस्टिल डे परेड पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो PM नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन, तो एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा, तो बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की, 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की, उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण, तो वो देश है पेरू। नेक्स्ट है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश UAE है।
नेक्स्ट है, किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है, तो वो है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए AI के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? तो यूनाइटेड किंगडम। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो वो है सिंगापुर का। नेक्स्ट है, भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? एस्टोनिया बना। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? एस्टोनिया बना। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो है न्यूजीलैंड। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट म्योनो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? तो वो है फिलीपींस में। किस देश की रेल कंपनी एस्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? किस देश की रेल कंपनी एस्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली देश वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो वो देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो मिशेल ब्लॉक बनी। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइवल CSS क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वो है भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो वो है नॉर्वे देश में। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया? तो नाम रखा गया सारा। भारत फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो वो देश है चीन। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर यानी इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया उत्तराखंड में। अगला है फटाफट 100.com में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है जिसे प्रक्षेपण किया जा चुका है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मिथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 को लॉन्च किया है? मिथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 को लॉन्च किया है? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैलेंज जारी किया है? तो वो है चीन देश। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो वो है पद्मावती। सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो है हरियाणा में। नेक्स्ट है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है? तो कमल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो जाना जाएगा शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला है खेलकूद से, किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता तो भारत ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा।
इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो आर प्रज्ञानंद। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, आर प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप जीता है, स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना थी, जो मोरक्को की थी। हिजाब पहनकर खेली थी फुटबॉल नोहेला बेंजीना मोरक्को की। विश्व के सबसे कम उम्र में फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी हैं, उत्तराखंड के। फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी, उत्तराखंड के। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रियंका पाटिल है, पाटिल है, श्रियंका पाटिल है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई में किया गया। अब आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का देखते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन सा प्रसिद्ध जीव अर्थ विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, अर्थ विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, तो सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है भारत की पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया कौन, तो उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम को बढ़ते मामले में, तो पेरू देश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है, तो भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित हो रहा है। यह था एडुटेरिया के न्यू बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।